त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो गया है और इस चरण में भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 4 की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विजय लक्ष्मी तिवारी से, जिन्होंने अपने विकास कार्य और चुनावी योजनाओं के संबंध में हमारे संवाददाता अरुण द्विवेदी से खास चर्चा की। हम पहुंच चुके हैं शहडोल जिले की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 4 के क्षेत्र में, जी हाँ, जहाँ पे जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लेकर ये चुनाव लड़ रही हैं और इनके क्षेत्र के लोगों का इन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है। तो बताएं कि क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, क्या काम रहेंगे जिनको प्राथमिकता के आधार पर आप करेंगी। जी, मैं अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपनी जिला की विकास करना चाहती हूँ। घर घर योजनाओं, मतलब मैं साथ देना चाहती हूँ, अपने घर गांव के लिए विकास करना चाहती हूँ। घर घर पानी, गांव, सड़क, बिजली सुविधा सब देना चाहती हूँ। और कल आदिवासी समाज के लिए मैं विशेष कार्य करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि जनता का समर्थन आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? भरपूर जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है और मिलेगा आगे चल के, और मैं जनता से बहुत खुश हूँ। मुझे जनता बहुत चाहती है, उनका पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। पूरे बाकी कुछ प्रत्याशी हैं जो आपके क्षेत्र के बाहर के भी हैं, तो आपको क्या लगता है बाहर वालों पे जनता का ध्यान जाएगा कि आपको ही वोट देंगे? जहाँ तक की जनता, तो मैं जहाँ तक जा चुकी हूँ हर क्षेत्र में जी, जनता से मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि जनता हमें कोई सपोर्ट करना चाहती है जी। और तो मैं आगे नहीं जानती, परंतु जहाँ जहाँ मैं जिससे मिली हूँ जाके, तो जनता से मिलकर मुझे ये लगा कि जनता तो सपोर्ट करना चाहती है। मतलब जनता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है? जी जी, भरपूर। और जीत के आप अपने क्षेत्र के विकास में काम करेंगे, ऐसा मान ले हम लोग? जी जी, पूरा विकास करने की कोशिश करूंगी। जो जो सुविधाएं उपलब्ध है वो पूरा काम करने की कोशिश करूंगी। क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का विकास करना, समाज का आशीर्वाद, आदिवासी विकास करना चाहूंगी। तो जैसा कि इनका नाम है विजय लक्ष्मी, तो नाम में ही विजय है, और निश्चित रूप से अगर ये विजयी होती हैं तो क्षेत्र में लक्ष्मी जी आएंगे और सबका आर्थिक रूप से सब प्रबल होंगे, ऐसी हम आपको कामना करते हैं ईश्वर से कि ऐसा ही हो क्षेत्रवासियों के साथ में। आपने साधना ने उससे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।